पूरा प्रोग्राम हो रहा है शादी का, ये देख सकते हो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लेकिन अच्छा नहीं हूँ गाइस। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं ना, अभी हम जस्ट उठे। इतने लेट से उठने का कारण ये है कि कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम एक काम करने गए थे, तो वो जो काम किए उसके बाद सोए, यानी अभी उठे तो बैक में पेन हो गया। अभी बहुत ही ख़राब लग रहा है मुझे, एकदम दर्द हो रहा है, क्या बताया। इसलिए अभी धूप में थोड़ा बैठे हुए एंड ठंड भी लग रहा था, तो अभी थोड़ा बैठे हुए हैं क्योंकि इतने लेट से उठे, बैक में पूरा पेन हो रहा था और अभी ठंड भी लगने लगा। थोड़ा धूप में अच्छा लग रहा है इसलिए धूप में अभी बैठे हुए, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दें क्योंकि आप लोग को ही शेयर करने में मुझे सब हर चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। क्या पता कुछ लगता है, लेकिन जो भी होता है हम आप लोगों को बताते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सब बात आप लोग से शेयर करने, इसलिए कर दें। एंड आप लोग सोचते होंगे कि कल जो हम काम किए वो ब्लॉग में क्यों नहीं दिखा, उसका कारण ये है कि हम जो काम करते हैं वो लगभग दो लोगों का काम है, एक लोगों से पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी हम अकेले जाके करते हैं क्योंकि रणबीर जो है वो गया था दीदी के साथ डेकोरेशन करने एंड हम अकेले वो काम कर रहे थे, तो सोच सकते दो लोगों का काम जब हम अकेले कर रहे थे तो उसमें ब्लॉग कहाँ से कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोशिश कर रहे हैं, अगर हो पाएगा तो सही है। वैसे तो वो काम अभी आधा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, कल जाके फिर अभी मुझे आधा वो काम करना है, तो कल के ब्लॉग में अगर पॉसिबल होगा तो वो काम आप लोग को दिखा देंगे, कौन सा काम कर रहे हैं कौन सा नहीं, तो आप लोगों को कल के ब्लॉग में हो सकता है देखने को मिलेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब भी हम आ चुके हैं अपने रूम के अंदर, ये जो दाढ़ी मुझे थोड़ा बढ़ गया है वो मुझे बहुत ही ख़राब लगता है, बहुत ही इरिटेटिंग लगता है, तो अभी हम इसको कट करेंगे। देख सकते हो यहाँ पर ट्रिमर और आईना ले लिया है एंड यहाँ पर कैमरा भी सेट कर लिया। चलिए इसे ट्रिम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज ऑल डन, आप देखिए बताइए कैसा लग रहा है। हम ये बियर्ड कटिंग किए तो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, थोड़ा अच्छे लग रहा है ना, तो इसलिए मुझे बियर्ड अच्छा नहीं लगता है। ऐसे तो दीदी लोग बोलती है कि नहीं आप में, मतलब मेरे पे बियर्ड अच्छा लगता है, दाढ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे क्लीन शेविंग पूरा पसंद है। ये तो मैं तो मुझ भी उड़ा लेता, बोलते हैं कि नहीं उड़ाओ अच्छा नहीं लगे, एकदम बच्चे ऐसा लगे, इसलिए थोड़ा ये रख लिए। बाकी देख सकते हो हम पूरा क्लीन शेव कर लिए, एकदम मस्त लग रहे हैं, है ना। कमेंट में बताइए। तो गाइस दाढ़ी मुझ तो बना के आपको दिखा दी, अब चलिए जो अपने थंबनेल में देखा वो डेकोरेशन आपको दिखाते हैं। जो दीदी लोग ने कल किया था पिछले ब्लॉग में आप लोग को दिखाए थे कि ये जो बैकग्राउंड में लगाने के लिए है, ये एक बाइक का लगभग 8x8 बैकग्राउंड में लग जाने के बाद बहुत ही मस्त लगेगा, एकदम चमकीला चमकीला। तो चलिए आपको दिखाते हैं, अभी मस्त एकदम डेकोरेशन किया दीदी रणबीर ने मिलकर। हम तो गए थे अपने काम में एंड वो लोग गई थी डेकोरेशन करने, तो आप वो वीडियो देखिए सबसे पहले। डेकोरेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। सो बहुत ही मेहनत लग गया उन लोग को, ये डेकोरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन मेहनत का फल बहुत ही अच्छा मिला। वो जो कस्टमर था बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि ये डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है, मतलब 3-4 बार दीदी को बोल दिया बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा है मैसेज में, फिर मतलब जब दीदी गई थी तब एंड फिर आई तब, मतलब बहुत ही बार एकदम वो पूरा खुश हो गया था कस्टमर। क्या बताया आप लोगों को, मतलब किसी को बोलता है कि जितना काम दिए उससे अच्छा अगर कर दो तो कैसा फील होता है, वैसे ही कस्टमर को फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था उन लोग को, तो बहुत ही मस्त डेकोरेशन था। आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा डेकोरेशन जो कि दीदी और रणबीर ने किया था। दीदी मेन है, रणबीर को तो ऐसे ही थोड़ा बड़ा हेल्प करने के लिए ले आती है, बाकी दीदी जो भी करती है एकदम मस्त करती है, जहाँ भी डेकोरेशन किया एकदम मस्त किया। हम भी जाते हैं लेकिन मेरा तो अपना काम था तो हम उसमें चले गए थे, दीदी और रणबीर उसमें गए थे डेकोरेशन में, तो आप लोगों ने देखा डेकोरेशन, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा है ना। आगे भी जो भी डेकोरेशन दीदी करेगी आप लोग को ब्लॉग में दिखाते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एकदम मस्त मस्त डेकोरेशन अभी आने वाला है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी हम लोग और भी बड़े बड़े डेकोरेशन करेंगे, इन बहुत ही अच्छे अच्छे करेंगे जो कि ग्रेडी में किसी ने ही नहीं किया। ये हम लोग का घमंड नहीं है, मतलब हम लोग जितना टैलेंट है उसके रिलेटेड बता रहे हैं कि हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे करेंगे जो कि ग्रेडी में किसी ने नहीं किया, और ऐसा ऐसा डेकोरेशन करेंगे जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है, तो हम लोग करने वाले एंड दीदी भी करने वाली, तो वो आप लोग को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा जरूर। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी रात के 9:30 बजे हैं, अभी हमें आयुष के छत पे यहाँ पे कैरम खेलने आए थे, नीचे हम लोग कैरम खेल रहे थे, यहाँ पे देख सकते हो मस्त यहाँ पे शादी हो रहा है, शादी का प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे मस्त गाना गाया जा रहा है, देख सकते हो आप, सुन सकते हो गाना बहुत ही मस्त। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हो पूरा प्रोग्राम हो रहा है शादी का, ये देख सकते हो, ये तो अभी दिख नहीं रहा है, वहाँ पे शायद स्टेज है, उधर स्टेज है, और यहाँ पे देख सकते हो कितना मस्त सजाया गया है, बहुत ही मस्त प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही मस्त यहाँ पे अभी सिंगिंग हो रहा है, सुन सकते हो आप। सो जस्ट आप लोग को यहाँ पे दिखाने आ गए थे एंड गाना भी सुनाने आ गए थे,
अभी हम कैरम ही खेल रहे थे, सोचा आप लोग को दिखा दे। तो यहाँ पे गाना बहुत ही मस्त गाया जा रहा था, सब लोग सुना दिए। अब चलिए नीचे जाते हैं, कैरम खेलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ा देर। सो गाइस अभी बज रहा है 10 एंड हम घर आ चुके हैं कैरम खेल के। कैरम खेल के जस्ट अभी आए एंड बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है, बहुत ही ज्यादा। एंड अभी हम सोएंगे, पहले एडिट करेंगे क्योंकि कल हम फिर काम करने जा रहे हैं। तो अभी हमको एडिट करना होगा कल का वीडियो, तब हम अपलोड कर पाएंगे कल, नहीं तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल हम काम पे जाएंगे। तो काम पे कब जाएंगे, एडिट कब करेंगे, तो नहीं हो पाता है। तो अभी मुझे एडिट करना होगा एंड फिर एडिट करके सो जाएंगे सब कंप्लीट करके, एंड कल पब्लिक करेंगे वीडियो। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आज का ब्लॉग अच्छा लगा ब्लॉग को पूरा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।